नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। तो दोस्तों, घर बनाने के लिए सबसे पहले भूमि की आवश्यकता पड़ती है। भूमि का सही चुनाव और इसका आकार हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ऐसे में भूमि की आकृति को नजरअंदाज करना कई तरह की परेशानियों का कारण बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप भूमि का चयन सही सही करें। ऐसा ना करने पर घर में कलह हो सकती है। कई भूखंड तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ व्यवसायिक दृष्टि से ही उपयोगी होते हैं। ऐसी भूमि पर बनाया गया घर फलता नहीं है। इसलिए घर बनाते समय भूखंड के आकार का भी पूरा पूरा ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 8 ऐसे ही बहुत ही श्रेष्ठ भूमि के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्गाकार भूमि की। वर्गाकार भूमि को सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे ही भूमि पर भवन बनाने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आयताकार भूखंड की। आयताकार भूखंड को भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर घर बनवाने से धन, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वृत्ताकार भूखंड की। तो वृत्ताकार भूखंड को भी अनेक लाभों वाला माना गया है। इस भूखंड पर भवन निर्माण कराने से धनमान, सुख समृद्धि, सफलता और पुत्र पौत्र लाभ की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही व्यक्ति बहुत ही सफल हो जाता है। ऐसी भूमि बड़ी कठिनाई से मिलती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अष्टकोणीय भूखंड की। अष्टकोणीय भूखंड को भी श्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसी भूमि पर वास्तु निर्माण कराने से भवन स्वामी एवं परिवारजनों की सफलता के द्वार खुल जाते हैं। इसके अलावा घर में सुख शांति भी बनी रहती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गोमुखी भूखंड की। गोमुखी भूखंड को वाणिज्य और व्यापारिक गतिविधियों के लिए बहुत ही शुभ कहा गया है। इस भूखंड की लंबाई एक ओर कम और दूसरी ओर अधिक होती है। इस पर भवन निर्माण कराने से सभी प्रकार के लाभ और सुख शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिंह मुखाकार भूखंड की। सिंह मुखाकार भूखंड को मिले जुले प्रभावों वाला माना गया है। इसकी पहचान यह है कि यह सामने से अधिक और पीछे से कम लंबा होता है। ऐसे भूखंड से संचालित की जाने वाली व्यापारिक और वाणिज्य गतिविधियां काफी सफल रहती हैं। लेकिन अगर इस पर भवन निर्माण कराकर निवास किया जाए तो परिवार के सदस्य अस्वस्थ रहने लगते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं षटकोणीय भूखंड की। षटकोणीय भूखंड को भी वास्तुशास्त्रियों ने बहुत ही शुभ भूखंड माना है। ऐसे भूखंड पर निवास करने से धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ मिलता रहता है। इसे भी एक दुर्लभ भूखंड माना गया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चहुमार्गीय भूखंड की। चहुमार्गीय भूखंड की महिमा असीम है। इसमें भूखंड के चारों तरफ मार्ग होते हैं। ऐसे भूखंड पर निवास करने से सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होती है तथा वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों और आपदाओं से भी बचा रहता है। लेकिन इस पर भवन निर्माण कराने से पूर्व दिशावेद का निवारण कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भूमि लेते समय इन 8 वास्तु नियमों का पालन करेंगे तो आप सुख समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य तथा धन धान्य से परिपूर्ण भवन का निर्माण कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वास्तु टिप्स और घरेलू नुस्खे लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।